इतिहास की तीन सबसे महंगी गलतियां। नंबर तीन, इस सबमरीन को 2013 में स्पेनिश नेवी के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके आधुनिक डिजाइन में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि जब ये एक बार पानी के अंदर चली जाती तो उसके बाद ये ऊपर नहीं आ सकती थी, और ये 75 से 100 टन वजनी थी। और कहा जाता है कि जब इसे बनाया जा रहा था तब इसकी कैलकुलेशन में सिर्फ एक गलत बिंदु की वजह से इस सबमरीन का ये हाल है, जिसकी कीमत लगभग $680 मिलियन है, जो कि अब पानी में डूब चुके हैं। नंबर दो, 1624 में स्वीडिश के राजा ने दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जहाज बनाने का आदेश दिया, और ये जहाज 10 अगस्त 1628 को बनकर तैयार हो गया। और जब इसे पानी में उतारा तो यह हवा के पहले झोंके से ही पलट गया, जिसे राजा को अपमानित किया गया क्योंकि इसे बनाने में $200,000 से भी अधिक पैसा लगा था। और अब इसे दोबारा म्यूजियम में रखा गया है, और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह अपने खराब डिजाइन और भारी गंडक की वजह से डूबा था। नंबर एक, 1860 में रूस के सम्राट अलेक्जेंडर ने सोचा कि अलास्का को रखने का कोई फायदा नहीं है, वहां पर ठंड की वजह से खेती नहीं हो पाएगी और वो रशिया से काफी दूर भी है, इसलिए रूस ने अलास्का को $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया। और अब अर्थशास्त्री अनुमान लगाते हैं कि अलास्का से निकलने वाले सिर्फ तेल और गैस की कीमत लगभग $200 बिलियन है।